हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। अब खबर अयोध्या में बनने वाले भगवान श्री राम के भव्य मंदिर को लेकर। अयोध्या विकास प्राधिकरण ने राम मंदिर के नक्शे को पास कर दिया है। वहीं मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी राम मंदिर का फायदा लेने की फिराक में। मंदिर का काम अब बस शुरू होने ही वाला है। अयोध्या विकास प्राधिकरण की बैठक में सर्वसम्मति से राम मंदिर के दोनों नक्शों को पास कर दिया गया। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के परिवहन और राजस्व मंत्री गोविंद राजपूत राम मंदिर निर्माण का चुनावी फायदा उठाने की कोशिश में लग गए हैं। सबसे पहले बात अयोध्या में बनने वाले राम मंदिर की। अयोध्या का राम मंदिर 12,879 वर्ग मीटर में बनेगा, जबकि राम मंदिर के आसपास 2,74,000 वर्ग मीटर में श्रद्धालुओं के लिए सुविधाओं का विकास होगा। राम मंदिर के नक्शे की फीस 2,11,00,000 रुपए तय की गई है, साथ ही लेबर सेस के रूप में 15,00,000 रुपए चुकाने होंगे। मंदिर की बुनियाद का काम अब मंदिर का नक्शा प्राप्त होने के तुरंत बाद हम शुल्क जमा करेंगे। तब तक L&T की मशीनें आ जाएंगी। L&T निर्माण करने वाली एजेंसी है, वो अपनी पूरी शक्ति के साथ यहाँ उपस्थित हो रही है, केवल मशीनों को आने की देरी है। उधर मध्य प्रदेश के सागर में राज्य के मंत्री गोविंद राजपूत रामशिला पूजन यात्रा निकाल रहे हैं। गोविंद राजपूत ने अपने विधानसभा क्षेत्र सुर्खी से इन यात्राओं की शुरुआत की। 11 सितंबर तक 5 रथ घूमेंगे। कांग्रेस से बीजेपी में आए गोविंद राजपूत को उपचुनाव का सामना करना है, इसलिए आरोप लग रहे हैं कि वो राम मंदिर का चुनावी फायदा उठाने की कोशिश में लगे हैं। मैं शुरू से ही राम भक्त हूँ और भाजपा में आके मुझे बहुत अच्छा लगा।